Dear students, in today's lesson we talk about special symbols or character in HTML. We can use all those symbols as you can see in this file. और इस file को आप description box में जाकर download कर सकते हैं. तो चलिए एक बार कुछ symbols को web page पर apply करके देखेंगे. So here I highlighted few symbols. तो हम उन्हीं को try करेंगे क्योंकि सारे symbols तो possible नहीं हैं. तो इस video में हम cover करें. So let's start. तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग में HTML बॉडी के साथ. देन उसके बाद मैंने आपको पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ कि इस कोडिंग का रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं. तो इस कोडिंग के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स हैं वो ये हैं. पहला हमने सिंबल यूज़ करा है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट. तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सी स्क्वायर. तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है. तो इसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं. नॉर्मली वैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर ए टू द पावर ए स्क्वायर है आपका. तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ए, देन उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट एस यू पी इज सुपरस्क्रिप्ट, देन टू और उसके बाद हमारा क्लोजिंग सुपरस्क्रिप्ट. तो ए स्क्वायर यानी कि जिस वैल्यू को आपको पावर बनाना है, ए स्क्वायर बनाना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू के दोनों साइड आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मेंशन करेंगे. तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो गया. देन उसके बाद हमने इसके बीच में यूज़ करा है एंड एन बी एस पी, नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है ये. वैसे इसको नंबर ऑफ स्पेस बोलते हैं बट टेक्निकली देखा जाए तो ये होगा आपका नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्योंकि यहाँ पे आपकी बिना लाइन ब्रेक हुए आपके नंबर ऑफ स्पेस आप इसमें दे सकते हैं. तो ए कैरेक्टर के अकॉर्डिंग एंड एम प्रेजेंट एन बी एस पी, तो ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है. तो इसको आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको फॉर्म के अंदर. जब हम फॉर्म बनाते हैं HTML का तब हम यूज़ करते हैं एंड एन बी एस पी सेमी कॉलन. देन उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट टैग है हमारा H2O. तो H2O क्या है, केमिस्ट्री इक्वेशन है. तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. तो इसमें हमने यूज़ करा है सबस्क्रिप्ट. तो H S U B दैट इज सबस्क्रिप्ट 2. तो जिस वैल्यू को हमें नीचे रखना है डाउन H2O में तो उस वैल्यू के हम दोनों साइड SUB लगाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ. उसके बाद हमारा BR यूज़ हुआ है. BR आपको पता ही है जैसे कि ये ब्रेक ए लाइन होता है, ब्रेक द लाइन. उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं अदर स्पेशल सिंबल्स R. तो यहाँ पे अदर स्पेशल सिंबल्स R मैंने नॉर्मली जैसे हमारा जो टेक्स्ट होता है वैसे ही लिखा हुआ है. देन उसके बाद BR अगेन ब्रेक द लाइन एंड कॉपी एंड सेमी कॉलन. एंड कॉपी सेमी कॉलन क्या हो रहा है, एंड कॉपी सेमी कॉलन जो है आपका वो कॉपीराइट, एक तरह का कॉपीराइट सिंबल है. जब हम किसी कंपनी के अकॉर्डिंग कॉपीराइट दिखाते हैं तो वहाँ पे हम सी लगाते हैं. तो यहाँ पे मैंने कॉपीराइट दिखाया हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट सिंबल है मेरा एम प्रेजेंट आर ई जी सेमी कॉलन, दैट इज़ रजिस्टर्ड कंपनी. जो रजिस्टर्ड कंपनी है तो वहाँ पे सिंबल हम यूज़ करते हैं आर. तो यहाँ पर आर सिंबल बना हुआ है टू कंपनी नेम. देन उसके बाद मैंने आपको भी जैसे बताया था कि एंड प्रेजेंट एन बी एस पी जो है हमारा वो नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है. तो वो नॉर्मली हम फॉर्म भी यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ यूज़र नेम के बाद मैंने एम प्रेजेंट एन बी एस पी 3 times दिया है. उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. तो जब आप इसका आउटपुट यहाँ पर देखेंगे तो यूज़र नेम के बाद 3 characters का स्पेस आया है. उसके बाद ये टाइट हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर क्रिएट करा था हमने. तो ज़्यादातर एंड आपका जो एम प्रेजेंट एन बी एस पी है वो यूज़ होता है हमारा फॉर्म के लिए, जो एच टी एम एल के हम फॉर्म बनाते हैं. उसके बाद जितने भी सिंबल्स अब आएंगे ये आपके मैथमेटिकल सिंबल्स हैं. लाइक वी टॉक अबाउट ग्रेटर दैन या इज ग्रेटर दैन लेस दैन. तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ यूज़ करी है. तो एम प्रेजेंट एल टी लोअर दैन एम प्रेजेंट जी टी ग्रेटर दैन, ये आपको इस वर्ड फाइल में सारे सिंबल्स मैंने दिए हुए हैं. तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ हो रहा है. तो ये आपका एल टी जी टी. देन उसके बाद एम प्रेजेंट क्यू यू ओ टी. तो यहाँ पर क्यू यू ओ टी क्या है हमारा, डबल कोट, डबल कोट साइन होता है जैसे आपका हेलो लिखा हुआ है डबल कोट में. उसके नीचे मैंने यूज़ करा है अपोस्ट्रोफी ए पी ओ एस एम प्रेजेंट ए पी ओ एस सेमी कॉलन. तो ये अपोस्ट्रोफी है हमारा. तो ये हेलो जो है आपका ये अपोस्ट्रोफी के अंदर आ रखा है यहाँ पे. उसके बाद हमने यूज़ करे हैं कुछ एरोज़. तो ये एरोज़ हैं. तो इन एरोज़ को डिनोट कैसे करेंगे, एल ए आर आर लेफ्ट एरो, आर ए आर आर राइट एरो, यू ए आर आर आपका अप एरो है और डी ए आर आर ये है आपका डाउन एरो. तो इस तरीके से आप
नंबर ऑफ सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकली। डेल्टा साइन है हमारा, गामा साइन है, तो उसके लिए आपको सिंपली डेल्टा लिखना है, एम प्रेजेंट डेल्टा और एम प्रेजेंट गामा सेमी कॉलन। और आप अगर नंबर ये यूज़ नहीं करना चाह रहे इनके नाम के साथ, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये इनका सिंबल्स का जो नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, एम प्रेजेंट हैश 181। तो आप नंबर के साथ भी अपने सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल कोडिंग है, इसको आप एक बार ट्राई करिएगा। तो ये वीडियो हमारा स्पेशल सिंबल्स पर था। नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग।